के अधिकार के तहत गरीब स्कूली बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की योजना दुर्ग में पालकों के लिए परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहे हैं। विभाग के द्वारा जारी सूची पर बार बार निरस्त होने की वजह से अब बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है, तो पालकों को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बता दें कि दुर्ग में शासन की योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले पालकों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए थे, जिसमें उनके बच्चों का चयन जिले के विभिन्न स्कूलों में हुआ था। शिक्षा विभाग से जारी पहली सूची में बच्चों के नाम भी आ गए थे, पर जब पालक अपने बच्चों का एडमिशन कराने पहुंचे तो स्कूल के द्वारा जानकारी दी गई कि लिफ्ट में आपके बच्चों का नाम गायब है। वहीं दूसरी सूची फिर से जारी कर दी गई, जिसमें दूसरे बच्चों का नाम है, तो पालक जब जिला शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचे तो वहां अधिकारियों ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। बच्चे के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें 2 तारीख को मैंने सूची देखा, उसमें मेरी बच्ची का नाम शकुंतला विद्यालय में चयनित दिखाया जा रहा था। इसके पश्चात मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि किसी प्रकार से कुछ नाम हटा है, लेकिन कुछ दिन बाद हम जब देख रहे हैं 5 तारीख को तो हमारी बच्ची का नाम वहां से हटा दिया गया। हमने क्या कम से कम 1 घंटा वेट किया तो कोई नहीं आया। फिर हम सर मैडम के पास गए, बोले सर आपने हमें बैठाया है कि आज लॉटरी होगा, तो बोले कि ये आपका लॉटरी नहीं है, ये दूसरे तीसरे चरण की लॉटरी है। तो मैंने बोला कि हमारा जो पहले चरण में सूची में जारी हुआ था उसका क्या हुआ, तो बोलता है उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो निरस्त हो गया है। 2 तारीख को हमारे यहाँ लॉटरी हुई, लॉटरी में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, बच्चों के नाम आ रहे हैं या सीट से ज्यादा अलॉटमेंट हो रहे हैं। हमने इसका सूचना राज्य को दिया, राज्य ने उसका परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद लॉटरी में रोक लगाया उन्होंने। गर्मी के मौसम में